हेलो एवरीवन, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि BFS कैसे हम निकालते हैं किसी गिवन ग्राफ का। आई हम उसको एक्सटेंड करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और BFS से हम ये देखेंगे कि कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। अजम्पशन ये है कि मेरे पास ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में जितने भी एजेस हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 1 है। सो इसी अजम्पशन को रखते हुए हम इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। गिवन वर्टिसेस में से हम किसी भी वर्टेक्स को एज ए सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी मान लीजिए कि हमने 0 नंबर वर्टेक्स को यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट किया हुआ है। सो जैसे आपको पता है कि आप BFS में आपको एक स्टेटस एरे की जरूरत पड़ती है या स्टेटस वेक्टर की जरूरत पड़ती है। सो आइए हम एक स्टेटस ले लेते हैं, और स्टेटस वेक्टर का साइज नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 है, तो यहाँ पे मुझे 8 साइज का एक स्टेटस वेक्टर लेना होगा। BFS पे हम ये करते थे कि सभी एलिमेंट्स को स्टेटस के 0 इनिशियलाइज कर देते थे। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, और सभी वर्टिसेस के जो स्टेटस है उसको -1 डिक्लेयर कर देते हैं। आफ्टर डूइंग सो हमारे पास एक वर्टेक्स, अगर हम सोर्स मान रहे हैं, लेट से हमने 0 को सोर्स माना है, तो 0 का जो स्टेटस है हम उसको 0 डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ स्टेटस ऑफ 0 को अगर हमने 0 डिक्लेयर कर दिया, तो साथ ही साथ हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं क्यू में, जैसा कि हम BFS में करते हैं। और इसके बाद 0 को डिलीट करते हैं और 0 से सारे कनेक्शंस देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ग्राफ है उसमें जो 0 से कनेक्शन है वो है 3, ओनली 3 वर्टेक्स इससे कनेक्टेड है। सो 3 का स्टेटस -1 है, इसका मतलब है कि ये अभी तक विजिट नहीं हुआ है। तो अब हम इसको विजिट करेंगे, तो जिस भी वर्टेक्स को हम विजिट करेंगे उसकी डिस्टेंस सेट करेंगे जहां से ये एक्सप्लोर हुआ है उससे एक ज्यादा। जैसे कि 3 नंबर वर्टेक्स 0 से एक्सप्लोर हुआ, तो 0 की जो डिस्टेंस थी वो 0 थी, तो 3 की जो डिस्टेंस होगी वो इससे एक ज्यादा 1 सेट हो जाएगी। सो आई एम सेटिंग अप द डिस्टेंस ऑफ 3s 1, और 3 वर्टेक्स को क्यू में भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद हम 3 को डिलीट करते हैं और 3 से कनेक्शन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 3 से कनेक्शन है यहाँ पे वो है हमारे पास वर्टेक्स 0, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स 5। तो वर्टेक्स 0 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, इसका स्टेटस 0 है। वर्टेक्स 2 अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है क्योंकि इसका स्टेटस -1 है। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं, और इसकी डिस्टेंस सेट करेंगे 3 से एक ज्यादा, क्योंकि ये वर्टेक्स 3 से एक्सप्लोर हो रहा है, इसलिए 3 की डिस्टेंस जितनी भी होगी उससे एक ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी 2 की। इसका मतलब है कि 2 की डिस्टेंस हो जाएगी 1 + 1 2। सिमिलरली हम वर्टेक्स नंबर 4 को देखते हैं। वर्टेक्स नंबर 4 अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है क्योंकि इसका स्टेटस -1 है। तो जब हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस 3 से एक ज्यादा, मतलब 2 सेट कर देंगे। फिर वर्टेक्स 5 भी कनेक्टेड है 3 से, इसका भी स्टेटस -1 है, तो इसकी जो डिस्टेंस है हम 2 सेट कर देंगे 1 + 1। तो जो नए वर्टिसेस एक्सप्लोर हुए हैं वो है 2, 4 और 5, इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए क्यू में। आफ्टर डूइंग सो वी आर डिलीटिंग दिस 2 नंबर वर्टेक्स। द कनेक्शंस फ्रॉम 2 are 1 and 3, एज यू कैन सी इन द ग्राफ। सो 1 हैज नॉट बीन इंक्लूडेड अर्लियर, इसलिए हम 1 को अपडेट करते हैं। 1 की डिस्टेंस 2 से एक ज्यादा, मतलब कि 2 + 1 3, और 1 को क्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन ये जो 3 नंबर वर्टेक्स है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, इसलिए हम इसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर 4 को हम डिलीट करते हैं, और जो 4 से कनेक्शन है वो है 1 and 3। ये दोनों वर्टिसेस ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, इसलिए इसका इंक्लूजन नहीं होता। देन हम 5 को डिलीट करते हैं, और 5 से हमारे जो कनेक्शंस हैं वो है 3, 6 and 7। 3 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, 6 अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। आइए 6 को हम एक्सप्लोर करते हैं। 6 की डिस्टेंस 5 से एक ज्यादा सेट होगी, तो 5 की जो डिस्टेंस है वो है 2, तो जो 6 की डिस्टेंस है वो सेट हो जाएगी 2 + 1 3। सिमिलरली 7 भी अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो 7 को एक्सप्लोर करते हैं। 7 का स्टेटस -1 है, इसकी डिस्टेंस सेट होगी 5 से एक ज्यादा, मतलब कि 3, ये वर्टेक्स 5 से एक्सप्लोर हो रहा है। तो 6 और 7 नंबर वर्टिसेस अभी अभी इंक्लूड हुई है, इसलिए इसको हमें क्यू में डालना चाहिए। फिर हम डिलीट करते हैं 1 को, और जो 1 से कनेक्शन है वो है 2 and 4। बोथ ऑफ दीज वर्टिसेस हैव ऑलरेडी गॉट एक्सप्लोर्ड, सो इसको हम दोबारा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 6 को डिलीट करते हैं। 6 से हमारा कनेक्शन है ओनली 5, जो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, इसलिए इससे कोई इंक्लूजन नहीं होगा। फिर 7 को डिलीट करते हैं। 7 से केवल कनेक्शन है 5, और इससे
कोई इंक्लूजन नहीं होगा क्योंकि 5 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। स्टेटस वेक्टर में जो भी डेटा वैल्यू लिखी गई है ये हमें डिस्टेंस बता रहा है। अगर हम इसको दोबारा से लिखें स्टेटस वेक्टर की वैल्यूज को, तो स्टेटस वेक्टर के अंदर वैल्यूज लिखी गई हैं। जीरो इंडेक्स पे है जीरो, इसका मतलब जीरो से जीरो की डिस्टेंस जीरो है, जीरो से वन की डिस्टेंस थ्री है, जीरो से टू की डिस्टेंस टू है, जीरो से थ्री की डिस्टेंस वन है, जीरो से फोर की डिस्टेंस टू है, जीरो से फाइव की डिस्टेंस टू है, जीरो से सिक्स की डिस्टेंस थ्री है और जीरो से सेवन की भी डिस्टेंस थ्री है। तो ये अगर हम स्टेटस वेक्टर को प्रिंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्टेक्स किससे कनेक्टेड था और उनकी बीच की डिस्टेंस सोर्स से कितनी है। तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया है इससे, और आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। सो ये मेरा एक छोटा सा कोड था जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे हमने यूजर से नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस की एंट्री करा ली थी। इसके बाद हमने एडसेंसी लिस्ट बना लिया था। एडसेंसी लिस्ट को बनाने के बाद हमने एडसेंसी लिस्ट को डिस्प्ले भी किया। हमने बीएफएस भी कर लिया है जिसमें हमने क्यू लिया था और स्टेटस वेक्टर लिया था। स्टेटस वेक्टर में सभी के स्टेटस को जीरो डिक्लेयर किया था और जीरो नंबर वर्टेक्स को पुश करके जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम इनके कनेक्शंस को एक्सप्लोर करते थे, और अगर अनएक्सप्लोर्ड कनेक्शन है तो उसके स्टेटस को हम वन सेट कर देते थे और इसके साथ साथ हम उसको क्यू में इंक्लूड भी कर लेते थे। तो ये तो बीएफएस था। आइए इसमें छोटा सा करेक्शन करते हैं। पहला करेक्शन ये है कि हमें सभी वर्टिसेस के स्टेटस को माइनस वन डिक्लेयर करना है, साथ ही साथ हमें जो वर्टेक्स जीरो है उसको हम क्यू में इंक्लूड करते हैं ये मानते हुए कि जो वर्टेक्स नंबर जीरो है वही सोर्स है, और स्टेटस ऑफ जीरो को जीरो सेट करेंगे क्योंकि सोर्स से सोर्स की जो डिस्टेंस होगी वो जीरो होगी। जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हमें प्रोसेस को करना है। फ्रंट से एक वर्टेक्स डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद इसके जितने भी कनेक्शन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। जो कनेक्शन वाई है अगर उसका स्टेटस माइनस वन है तो इसका मतलब ये अनएक्सप्लोर्ड है, अगर ये अनएक्सप्लोर्ड है तो इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसका स्टेटस सेट करते हैं स्टेटस ऑफ एक्स से एक ज्यादा, क्योंकि ये एक्स के थ्रू एक्सप्लोर हुआ है तो वाई की जो डिस्टेंस होगी वो एक्स से एक ज्यादा होगी और वाई को हम क्यू में इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट हमें क्या करना है, डिस्टेंसेस को प्रिंट करना है। तो हमारे जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो स्टेटस एरे में है, तो जितने भी वर्टिसेस हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्रिंटिंग करके देख लेते हैं। सो लेट्स से सी आउट आई वर्टेक्स से, आई वर्टेक्स की डिस्टेंस सोर्स से स्टेटस ऑफ आई है, और इसके बाद एक स्पेस लगा देते हैं जिससे कि हम सेग्रीगेट कर पाएं, या कॉमा लगा देते हैं जिससे हम सेग्रीगेट कर पाएं दूसरे वर्टेक्स को। सो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। इस ग्राफ की एंट्री कराते हैं और इस ग्राफ में मुझे दिख रहा है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो 8 हैं और टोटल नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो 7 हैं। तो एज E1 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं 0 एंड 3, एज E2 के एंड पॉइंट्स हैं 1 एंड 2, एज E3 के एंड पॉइंट्स हैं 1 एंड 4, एज E4 के एंड पॉइंट्स हैं 3 एंड 4, एज E5 के एंड पॉइंट्स हैं 3 एंड 5, एज E6 के एंड पॉइंट्स हैं 5 एंड 6, और एच ई सेवन के एंड पॉइंट्स हैं 5 और 7। सो आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। लास्ट में ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, दीज वैल्यूज दीज आर रिप्रेजेंटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पेयर बिटवीन द वर्टिसेस। तो जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो, वन का डिस्टेंस थ्री, टू का डिस्टेंस फोर, थ्री का डिस्टेंस वन, फोर का डिस्टेंस टू, फाइव का डिस्टेंस टू, सिक्स का डिस्टेंस थ्री एंड सेवन का डिस्टेंस थ्री। सो दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस ग्राफ और हमने सभी वर्टिसेस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको फाइंड कर लिया। सो वी हैव ऑलरेडी डन इट। सो इसी को हम लोग एक छोटे से हैकर रैंक के क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। सो लेट्स सी। सो दिस क्वेश्चन इज ब्रेट फर्स्ट सर्च शॉर्टेस्ट रीच, और आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंसिडर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ वेयर ईच एच वेट 6 यूनिट्स। तो जहाँ पे हम पहले 1 यूनिट की बात कर रहे थे हर एज की, यहाँ पे 6 यूनिट है हर एज का वेट।
ईच ऑफ द नोड्स इज लेबल्ड कंसिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स के नंबर है वो 0 से स्टार्ट ना हो के 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। यू विल बी गिवेन अ नंबर ऑफ क्वेरीज, इसका मतलब कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ टेस्ट केसेस हैं। फॉर ईच क्वेरी यू विल बी गिवेन अ लिस्ट ऑफ एजेस डिस्क्राइबिंग द अनडाइरेक्टेड ग्राफ, इसका मतलब लिस्ट ऑफ एजेस आपको गिवेन है। आफ्टर यू क्रिएट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, इसका मतलब कि आप जब एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, यू मस्ट डिटरमाइन एंड रिपोर्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द अदर नोड्स फ्रॉम अ गिवन स्टार्टिंग पोजिशन यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो BFS एल्गोरिथम आपको लगाना है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है हर नोड का फ्रॉम द गिवन सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स 0 जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। सो रिटर्न एन एरे ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्टार्ट नोड इन द नोड नंबर ऑर्डर, इसका मतलब है कि आपको एक नया आंसर एरे बनाना है जिसमें कि नोड नंबर ऑर्डर के हिसाब से डिस्टेंसेस को स्टोर करना है। अगर कोई नोड अनरीचेबल है तो आपको वहां पे -1 रखना है। जो आपको नया एरे बनाना है उसमें सोर्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने बताया है। सो अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास टोटल वर्टिसेस 5 हैं 1 से लेके 5 तक, और हर एज की डिस्टेंस 6 है। तो हम एक काम करते हैं कि एक स्टेटस अरे बना लेते हैं, क्योंकि हम जब स्टेटस अरे बनाएंगे तो हमें 5 इंडेक्स चाहिए, क्योंकि 5 वर्टेक्स है, इसलिए इसका जो साइज डिक्लेयर किया जाएगा वो 6 डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि 5 इंडेक्स मुझे चाहिए। सो दिस इज द स्टेटस अरे। इस स्टेटस अरे में सभी डिस्टेंसेस को आप -1 सेट कर लीजिए, और जो सोर्स गिवन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो सोर्स है वो 1 है, तो इसके डिस्टेंस को 0 सेट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि 0 से देखना है कि कौन कौन से 0 नंबर वर्टेक्स को क्यू में इंक्लूड कर लीजिए। क्यू से 0 को डिलीट करते हैं और कनेक्शन देखते हैं 0 से कौन कौन से हैं। तो जो 0 से कनेक्शन है वो है 2 और 3। 2 और 3 दोनों अभी एक्सप्लोर नहीं हुए, इनको एक्सप्लोर कीजिए और इनके डिस्टेंस को 0 से 1 नंबर वर्टेक्स के डिस्टेंस से 6 ज्यादा सेट कर दीजिए। वर्टेक्स नंबर 2 और 3 इंक्लूड हो गए हैं हमारे क्यू में। 2 को डिलीट करते हैं, 2 से कनेक्शन देखते हैं। 2 से केवल एक कनेक्शन है एंड दैट इज 1, और वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, इससे कोई नया कनेक्शन नहीं एक्सप्लोर होगा। 3 से डिस्टेंस देखते हैं, 3 से कनेक्शन है 4 जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर अभी नहीं हुआ है। 3 से कनेक्शन 1 है जो भी एक्सप्लोर हो चुका है। तो हम 4 को देखते हैं, 4 के डिस्टेंस 3 से 1 ज्यादा सेट कर देते हैं, मतलब कि 6 + 6 = 12। नाउ 4 को हम क्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर 4 को हम डिलीट करते हैं, 4 से केवल एक कनेक्शन है 3 का जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्यू हमारा एम्प्टी हो गया है और अब टाइम है कि हम अपने ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और आंसर रिटर्न करना है। आंसर रिटर्न करते समय हमें यह ध्यान देना है कि एक नया एरे बनाना है, लेट्स से आंसर नाम का हमारा एक नया एरे है, और इस आंसर नाम के एरे में 1 इंडेक्स पे 0 है, इसका मतलब कि 1 सोर्स है, इसको हमें नहीं इंक्लूड करना है। नेक्स्ट 6 है 2 की डिस्टेंस, 3 की डिस्टेंस 6 है एंड 4 की डिस्टेंस 12 है, और 5 नंबर वर्टेक्स पे हम कभी नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस -1 है। तो इस आंसर एरे को हमें रिटर्न कर देना है। आइए इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं, और ये मेरा कोड है जिसमें जिसको समझने के लिए लेट्स से कि हमारे पास एक BFS नाम का फंक्शन है जिसमें n और m गिवेन है, जहां पे n नंबर ऑफ वर्टिसेस हमें बता रहा है और m हमें बता रहा है नंबर ऑफ एजेस। वेक्टर ऑफ वेक्टर एजेस एक 2D एरे की तरह से आप मान सकते हैं जिसमें एजेस की इंफॉर्मेशन है। लेट्स से मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है, इसमें ये है 2, ये है 1 और ये है 3, और इस तरह से कनेक्शन स्टेब्लिश है। तो जो एजेस है वो एक 2D एरे है जिसमें तीन एजेस के एंड पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। अगर एच E1 1 2 है तो 1 और 2 यहाँ लिखा गया है, अगर एच E2 1 3 है तो यहाँ 1 3 लिखा गया है, और अगर H3 E3 2 3 है तो हमने यहाँ पे 2 3 लिखा है। तो ये 2D एरे है, इसमें 0 इंडेक्स और ये 1 इंडेक्स होगा। कॉलम साइड रो साइड में आप इस इंडेक्सेस को मान सकते हैं। तो अगर आप एजेस
जो 2D एरे या वेक्टर ऑफ वेक्टर है उसमें जीरो जीरो की बात करेंगे, तो ये पहले एज का एंड पॉइंट है पहला वाला, और एजेस 0 1 हमें बताएगा सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ द सेम एज. सो दिस वन इज द फर्स्ट एज, फर्स्ट एंड पॉइंट, एंड दिस वन इज द सेकेंड एंड पॉइंट. तो आप हर एंट्री में जाइए और पता कर लीजिए कि इसके एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंगली आप इसके एडजेसेंसी लिस्ट को फॉर्म कर सकते हैं. सो ये हो गया. और लास्ट वाला जो इनपुट हमें गिवन है दैट इज गिवन एज द सोर्स वर्टेक्स. सोर्स यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स हो सकता है. तो आइए अगेन कोड को समझते हैं. और कोड में हम सबने सबसे पहले अपनी तरफ से एक एडजेसेंसी लिस्ट ले लिया है n+1 साइज के लिए, क्योंकि मुझे nth इंडेक्स चाहिए. फिर मेरे पास जितनी भी एजेस हैं, m एजेस हैं, तो इसके लिए मैंने एजेस नाम का जो एक वेक्टर और वेक्टर गिवन है उसमें से a और b मतलब एज के एंड पॉइंट्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया. और उसके बाद फिर a की एडसेंसी लिस्ट में b को पुश बैक कर दिया, और b की एडसेंसी लिस्ट में a को पुश बैक कर दिया. इस तरह से जितनी भी एजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एडजेसेंसी लिस्ट को फॉर्म कर दिया. आफ्टर दिस हम एक स्टेटस वेक्टर ले रहे हैं, वो n+1 साइज का है. एन जो हमारे काम की चीज है वो वन वर्टेक्स से लेके nth वर्टेक्स तक है, मतलब हमें nth इंडेक्स चाहिए, इसीलिए हमने n+1 साइज का स्टेटस लिया और सारे सभी वैल्यूज को -1 से इनिशलाइज कर दिया. फिर हमने क्यू ले लिया, क्यू में सोर्स वर्टेक्स को पुश कर दिया, स्टेटस ऑफ एस को 0 सेट कर दिया. इसका मतलब है कि सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस 0 सेट हो गई. इसके बाद हमने अपने ऑपरेशन को तब तक परफॉर्म किया जब तक कि क्यू की साइज 0 ना हो जाए या क्यू एम्प्टी ना हो जाए. क्यू से एक वर्टेक्स को निकाला, फ्रंट वर्टेक्स हमारा एक्स है. इसके सारे कनेक्शन को हमने एक्सप्लोर किया, जो भी इसका कनेक्शन है हमने मान लिया कि वो वाई है. और अगर वाई का स्टेटस -1 है तो ये पहले से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, स्टेटस ऑफ वाई सेट कर देते हैं स्टेटस ऑफ एक्स से 6 ज्यादा, और इस वर्टेक्स को पुश कर देते हैं क्यू में. तो जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगा तब तक हम सभी वर्टिसेस को एक्सप्लोर करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द कनेक्शंस. इसके बाद हमने एक आंसर वेक्टर ले लिया, और 1 से लेके एन तक जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिस्टेंसेस को हम इसमें पुश बैक करेंगे, लेकिन ये देख लेंगे कि वो सोर्स नहीं होना चाहिए. तो जो हमारा आंसर प्रोड्यूस हो रहा है उस आंसर में सोर्स वर्टेक्स की डिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, बाकी वर्टिसेस की जो डिस्टेंस है वो सिक्वेंस में आनी चाहिए. सो वी आर पुशिंग बैक द स्टेटस ऑफ एवरी वर्टेक्स, इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ एवरी वर्टेक्स इन द सिक्वेंस. और फाइनली आप आंसर को रिटर्न कर देंगे. सो 52 नंबर लाइन इज सेइंग दैट यू आर रिटर्निंग द आंसर व्हिच इज अ वेक्टर. सो इसको रन करके देखते हैं. यू कैन सी द सैंपल टेस्ट केस हैज गॉट पास्ड. नाउ वी आर ट्राइंग टू सबमिट दिस. देन ऑल अदर टेस्ट केसेस हैव आल्सो गॉट पास्ड, इट मींस वी हैव सबमिटेड दिस प्रॉब्लम करेक्टली. सो दिस प्रॉब्लम वॉज BFS शॉर्टेस्ट रीच, ब्रेकफास्ट सर्च शॉर्टेस्ट रीच, एंड दिस इज द वेरी इजी प्रोग्राम इफ यू हैव लर्न्ड अबाउट द BFS. आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि BFS के बेस्ड है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.